हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग सेहतमंद होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। और ये अगेन एक छोटा सा व्लॉग है, और यहाँ पर अभी चल रही है हमारे घर शादी की प्रिपरेशन। गाइस, मैंने आपको लास्ट अपलोडेड व्लॉग में दिखाया है कि हमारे रिलेशन में, यानी कि मेरे भांजी की शादी है, तो बस उसी के रिलेटेड कुछ प्रिपरेशन चल रही हैं। और यहाँ पर मैं और मम्मी ना, हम जो कपड़े लाए हैं ना, जो शादी में हम लोग को देने हैं, बस उन्हीं को हम लोग सेट कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना पहले हो जाए तो सही रहती हैं। तो बस इसी की तैयारियाँ चल रही हैं, इसीलिए मैंने स्पेशली आप लोगों को दिखाने के लिए एक छोटा सा क्लिप मैंने शूट किया है। और यहाँ पर गाइस, ठंड बहुत ज़्यादा ठंड है, गाइस बहुत ही ज़्यादा ठंड है। अभी आप देख लो, फ़रवरी का मंथ चल रहा है, बट ऐसी ठंड है जैसे कि जस्ट अभी ना मकर संक्रांति फिनिश हुई हो, इस टाइप की ठंड है। बट कोई नहीं, धीरे 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 ठंड जा रही है। पहले से बहुत ज़्यादा कम हो गई है ठंड, बट गाइस फिर भी बहुत ज़्यादा ठंड लगती है मुझे तो। और गाइस, आप सभी लोगों को एक बात और नोटिफाइड करनी थी कि मैं डेली एवरी डे 2:30 PM लाइव आती हूँ। प्लीज़ आप मेरी लाइव ज्वाइन कर सकते हो, प्लीज़ आइए। आप सभी को मैं इनवाइट कर रही हूँ मेरे लाइव। और अभी है आफ्टर का टाइम, तो आफ्टर में ना हम सभी लोग थोड़ा सा ये काम करने के बाद फिर मैं श्री के लिए बनाने लगी हूँ एक बहुत ही हेल्दी सा शेक। और मैंने एक्चुअली श्रेय के लिए लंच बनाया है, बट उसका ना आज लंच खाने का मन नहीं है, वो कुछ शेक वगैरह खाना चाहता था। एक्चुअली मैं उसको ऐसे फ्रूट दूंगी ना तो वो बिल्कुल नहीं खाता है, तो बस मैं सोच रही हूँ इसको फ्रूट और मिल्क दोनों ही मिलना चाहिए। तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। यस, तो मैं चीकू का शेक बना रही हूँ। यहाँ पर मेरे पास चीकू है, चीकू के जो छिक्कल होते हैं उनको अच्छे से पील कर लेने के बाद उनको इस तरीके से मैंने कट कर लिया है। यहाँ पर आपने देखे होंगे 5 से 6 चीकू थे मेरे पास, इनको इस तरीके से कट कर लेने के बाद इसमें थोड़ी सी मैंने शुगर ऐड की है, और बस थोड़ा सा हमें जस्ट पानी ऐड करना है ताकि चीकू जो है वो अच्छे से ग्राइंड हो जाए। इनको हमें ग्राइंड कर देना है, और थोड़ा सा हमें ग्राइंड करना है जस्ट। और आप देख सकते हो इसको मैंने ग्राइंड किया है, ये अभी काफ़ी ज़्यादा थिक है गाइस, इसको अभी हम शेक नहीं बोल सकते हैं। तो इसमें मैं क्या करूँगी, 1 ग्लास के करीबन मिल्क ऐड कर दूँगी, और ये मिल्क मैंने गरम किया हुआ था और फिर ठंडा करके थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर वाला मैंने लिया है। तो मैंने 1.5 ग्लास दूध ऐड करके इस तरीके से ग्राइंड कर लिया है, और बस ये हमारा बहुत अच्छा सा शेक बनकर रेडी हो जाएगा। अच्छे से हमें ग्राइंड कर लेने के बाद यहाँ पर मेरे पास ये मग है, देखिए इस टाइप का शेक बन के रेडी होता है, बहुत ज़्यादा यमी लगता है गाइस। इस टाइप का मग है मिस, और ये ना मैंने गाइस नज़दीकी मॉल से मैंने परचेज़ किया था, काफ़ी अच्छे मग हैं। तो बस इनको थोड़ा सा अट्रैक्ट करने के लिए ना मैं इस तरीके से चॉकलेट सिरप से इसको डेकोरेट कर दूंगी। आप देख सकते होंगे काफ़ी अच्छा अट्रैक्शन, मतलब बच्चों को काफ़ी अच्छा लगता है, थोड़ा सा चॉकलेट का फ्लेवर भी आ जाएगा और देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। उसके बाद फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये चीकू शेक। आप चाहो तो चीकू की जगह कोई भी फ्रूट ले सकते हो, बहुत यमी लगता है बच्चों को, बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है, बट अभी चीकू का सीज़न है इसलिए मैं बोल रही हूँ। और बस ये रेडी है हमारा चीकू शेक, तो चलो श्रेय को देते हैं और उसके रिएक्शन देखते हैं। सो गाइज, आई होप दैट यू लाइक चीकू शेक, प्लीज़ ट्राई दिस रेसिपी, चीकू शेक इज़ वेरी हेल्दी एंड यमी। तो गाइज, अभी हो गई है शाम और मैंने श्रेय को सारा होमवर्क करवा दिया है, और अब मैं आपको दिखा रही हूँ मेरा थोड़ा सा पर्पल शॉपिंग।
तो यहाँ पर मैंने कुछ प्रोडक्ट पर्पल से ऑर्डर किए थे, उनमें से मैं आपको कुछ बता रही हूँ। एक्चुअली मैंने ये सारे ही प्रोडक्ट ऑर्डर किए थे, इनमें से मैं आपको दिखा रही हूँ। तो काफ़ी अच्छी तरीके से प्रोडक्ट की पैकेजिंग आती है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है पर्पल पर शॉपिंग करना। तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं थी मेकअप पे, और आप तो जानते हो मैं बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं थी। और यहाँ पर मैंने ज़्यादातर चीज़ें ना फेसेस की ऑर्डर की हैं। मुझे एक्चुअली फेसेस के प्रोडक्ट मेरे पास एक भी नहीं थे, मैंने सोचा ऑर्डर कर लें, और अभी शादी भी आ गई है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, आप वीडियो बैक करके देख सकते हो, मैंने आपको दिखाया था कि हमारे घर अभी कुछ शादी की प्रिपरेशन चल रही है, तो बस शादी के लिए मुझे कुछ मंगाना था एक्चुअल में। तो बस यहाँ पर ये प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर किया है। यस, ये है फेसिस कैनेडा का, ये देखिए, ये है फेसिस कैनेडा का मास्करा, ये देखिए, ड्रामेटिक वॉल्यूमिनाइजिंग मस्करा है ये, सच में बहुत ज्यादा अच्छा मस्करा है। इसकी एक्चुअल में प्राइस है, यहाँ पर आप देख सकते हो, इसकी एक्चुअल में प्राइस है 399, बट कुछ डिस्काउंट करके मुझे मिला था, तो मैं आपको दिखाऊंगी कितना डिस्काउंट मुझे मिला था। और अगर आप, मैं आपको जो लिंक दूंगी उस पे आप परचेज कर लेना, अगर आपको परचेज करना है तो। और यहाँ पर ये है लिपस्टिक, ये मैंने 2 लिपस्टिक ऑर्डर की थी, यहाँ पर मैंने ये 2 लिपस्टिक ऑर्डर की थी फेसिस कैनेडा की, आप देख सकते हो, इसके जो कोड है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे इस तरीके से। तो एक कुछ पिंकिश कलर में है, और एक रेड कलर में है, और एक हल्की पर्पल कलर टाइप की है, तो मैं आपको दोनों ही दिखा देती हूँ। एक मैंने ये रेड वाली है ना, ये वाली, ये रेड वाली मैंने अभी लगाई है, वो मैं आपको दिखाऊंगी लगाने से कैसा ही लगती है। और इन सारे प्रोडक्ट परचेस करने पर ये गुड वाइब्स का पीच बॉडी लोशन मुझे फ्री आया है, काफ़ी अच्छा बॉडी लोशन है, मैंने यूज़ भी किया है। और ये फेसेस का काजल है, एक्चुअली ये फेसेस का काजल है, पहले मैं लैक्मी का लगाती थी, आपको पता होगा, बट गाइस मुझे ये फेसेस का यूज़ करना था प्रोडक्ट, तो इसीलिए मैंने ये परचेज किया। और देखिए बहुत अच्छा काजल है, एक ही बार में आपको काजल लगा, मतलब आप लगाना चाहो ना तो एक बार आप लगाओगे वॉटर लाइन पर तो काजल लग जाएगा, काफी अच्छा काजल है ये, तो इसको आप ले सकते हो। मेरी तरफ से ये काफी अच्छा लगा मुझे ये फेसेस का। और ये मश्करा भी मैं आपको दिखा देती हूँ, और गाइस मैं आपको हर वीडियो में दिखाती हूँ मश्करा, आप जब भी लगाओ इसको थोड़ा सा इस तरीके से स्मच कर लीजिए आप, उसके बाद आप लगाओ, ठीक है। यहाँ पर देखिए काफी अच्छा है, तो आप ले सकते हैं, वॉल्यूमनाइजिंग है, आंखों पर अच्छे से वॉल्यूमनाइज करता है। मैं दिखाऊंगी, मैंने अभी लगाया है ये मश्करा, और यहाँ पर मैंने ये वाली लिपस्टिक भी लगाई है, ये फेसेस की लिपस्टिक है, और देखिए इसका कलर कुछ इस तरीके से है। काफी अच्छा कलर है, रेड कलर है, बहुत खूबसूरत लगता है। जो भी ब्राइड है वो लगा सकते हैं, और हम भी लगा सकते हैं, पार्टी वेयर या कोई छोटा सा गेट टुगेदर है तब आप इस तरीके से लगा सकते हो। और नेक्स्ट ये वाली लिपस्टिक, मैंने ये वाली लिपस्टिक शॉप की ना, तो इसके साथ ये वाली फ्री थी, उसमें लिखा था बाय टू गेट वन फ्री, तो फेसिस की अगर आप 2 प्रोडक्ट परचेस करोगे तो उसमें एक फ्री मिल जाएगा। रिपब्लिक सेल चल रही थी ना तब एक्चुअली मैंने मंगाई हुई थी, ठीक है। और यहाँ पर ये वाली लिपस्टिक देखिए आप, देखिए तो मुझे दोनों ही कलर बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे हैं, तो देखती हूँ।
तो मुझे दोनों ही कलर बहुत ज्यादा अच्छे लगे गाइस, तो आप भी ले सकते हैं। ये वाले प्रोडक्ट काफी अच्छे हैं, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई ये फेसेस के प्रोडक्ट। तो गाइस ये सारे प्रोडक्ट मैंने आपको दिखा चुके हूँ, और ये पर्पल के प्रोडक्ट अगर आपको परचेस करने हैं तो उसके लिंक मैं नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज चेकआउट कर लेना। ओके, और अभी शाम हो गई है, अब बनाना है डिनर। और देखिए मैंने दोनों आंखों में जो है मश्कारा लगा लिया है, काफी अच्छा मश्कारा है, जलन भी नहीं हो रही है। बहुत सारे मश्कारा मैंने देखे हैं, आंखों में ईचिंग होती है, जलन होती है, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, काफी अच्छे मश्कारा है। और ये लिपस्टिक भी बहुत ज्यादा अच्छी है, और मैंने ये जो रेड लिपस्टिक लगाई है ना, मैं आपको बोल रही थी मैं आपको दिखाऊंगी, तो ये है वो रेड लिपस्टिक जो मैंने लगाई है, काफी अच्छी लिपस्टिक है। देखिए ये वाली रेड लिपस्टिक मैंने लगाई है, काफी खूबसूरत लिपस्टिक है, मैट होने के साथ साथ आपके लिप्स को नरिशिंग रखती है। बिल्कुल भी आपको कोई हार्मफुल नहीं होगा, नहीं तो मैट लिपस्टिक बहुत सारी ऐसी होती है जो मैट होने के साथ साथ आपके ड्राई आपके जो लिप्स हैं उनको ड्राई कर देती है, तो फिर लिप्स जो है वो अच्छे नहीं रहते। बट ये लिपस्टिक क्रीमी मैट है, बहुत ज्यादा अच्छी लिपस्टिक है गाइस, आप ये वाली लिपस्टिक परचेस कर सकते हैं। हाँ, और स्पेशली जो ब्राइडल है, कोई आपको फंक्शन है, छोटा सा गेट टुगेदर है, ऑफिस गोइंग गर्ल और इन कॉलेज गोइंग गर्ल, आप इन्हें यूज कर सकते हैं, एटलीस्ट हाउसवाइफ भी इनको यूज कर सकती है, काफी अच्छी लिपस्टिक है, अफोर्डेबल है, अच्छी है, और क्या चाहिए यार। और ये काजल मश्करा भी आप इसको यूज कर सकते हैं। सारे प्रोडक्ट की जो लिंक है वो नीचे दे रखी है, प्लीज चेकआउट कीजिए। और अभी चल रही है कुछ शादी की तैयारियां, जैसे कि मैंने आपको दिखाई मेरी भांजी की शादी है 9 फरवरी को, 9 फरवरी को शादी है, तो कुछ पहले से प्रिपरेशन भी हम लोगों को चाहिए होगी ना, तो बस आजकल घर में थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह ज्यादा चल रही है। और मैंने आपको दिखाया था कि मैंने क्या क्या शॉप किया है लास्ट अपलोडेड वीडियो में, राइट? और मैंने आपको दिखाया है चीकू शेक, आप बनाइए चीकू का शेक अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए, स्पेशली बच्चों को तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। बच्चे ना फ्रूट दूध ऐसे नहीं खाते, अगर आपको खिलाना है ना बच्चों को कुछ हेल्दी चीजें, तो आप इस तरीके से शेक बनाकर दे सकते हो, बच्चे बड़े आराम से खा लेते हैं सच। सो यहीं तक का था गाइस आज का मेरा ब्लॉग, अगर आपको आज का मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो, छोटू सा ब्लॉग, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय गाइस, टेक केयर।